भारत में रेप के आरोपों का सामना कर रहे भगोड़े नित्यानंद ने एक नया प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने फैलाया है। पहले तो नित्यानंद ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा नाम से एक नया देश बनाने का दावा किया। अब उसने अपने देश के प्रतिनिधि मंडल को एक महिला की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में शामिल होने का दावा किया है। भारत की साध्वियों जैसी वेशभूषा में संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा दफ्तर में अंग्रेजी में भाषण देती इस महिला का वीडियो देख शुरू में तो किसी को समझ नहीं आया कि ये महिला किस देश की प्रतिनिधि है। बाद में जब नित्यानंद के ट्विटर अकाउंट से इसका फोटो डाला गया तब जाकर लोगों को माजरा समझ में आया। नित्यानंद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसका प्रचार कर रहा है। कैलासा की इस महिला प्रतिनिधि ने अपना नाम माँ विजय प्रिया नित्यानंद बताया है। यह संयुक्त राष्ट्र में कैलासा देश के स्थायी राजदूत है। माँ विजय प्रिया नित्यानंद ने बताया कि वो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी शहर में रहती हैं और उन्हें नित्यानंद के देश कैलासा में डिप्लोमेट का दर्जा मिला हुआ है। दरअसल 22 फरवरी को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम हुआ जिसमें काल्पनिक देश कैलासा की ओर से माँ विजय प्रिया नित्यानंद के अलावा 5 और महिलाएं शामिल हुई थीं। सम्मेलन में माँ विजय प्रिया नित्यानंद ने दावा किया कि हिंदू परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए भारत में उनके सर्वोच्च गुरु का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से यह तक पूछा कि कैलासा में नित्यानंद और 20 लाख हिंदू प्रवासी आबादी के उत्पीड़न को रोकने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या उपाय किए जा सकते हैं। दरअसल भारत में नित्यानंद के खिलाफ रेप समेत कई केस चल रहे हैं। नित्यानंद इन केसों का सामना करने के बजाय देश से भाग निकला। विजय प्रिया नित्यानंद ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कैलासा की वेबसाइट के मुताबिक विजय प्रिया नित्यानंद कैलासा की ओर से दुनिया के दूसरी संस्थाओं से समझौता भी करती हैं। संयुक्त राष्ट्र में विजय प्रिया ने कई देशों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और इसकी तस्वीरें भी शेयर की है।